वाली गाड़ी में जाएंगे। ये मेरा कजन है करण भाई, ये भी तैयार हो गया शिमला के लिए और अपनी नई नवेली गाड़ी बहुत एंडेवर तैयारी पूरी पूरी। बज रहे हैं 11:30। अभी हमें NH 3 पे मेरठ एक्सप्रेस वे है ये, लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ से NH 44, वहाँ से चंडीगढ़ होते हुए फिर हम पहुँचेंगे शिमला। दोस्तों करीब 12:15 हो गए हैं, हमें 1 घंटा हो गया एक जो है, और अभी हम ईस्टर्न पेरिफेरल से नीचे NH 44 की तरफ आ रहे हैं। तो आज ट्रैफिक काफ़ी कम है, फेस्टिवल सीजन है, लॉन्ग वीकेंड है, लेकिन इतना हम एक्सपेक्टिंग है बहुत ही बढ़िया सारी चीज़ें होते हैं। 44 और यहाँ से हम सीधा नेक्स्ट स्टॉप होगा चंडीगढ़, जैसे पंचकूला। चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और घुमा के लाते हैं आपको शिमला। सारे टोल्स फ्री हो रखे हैं, कहीं भी कोई वेटिंग नहीं है, तो उसकी वजह से भी 5-10 मिनट बच ही रहे हैं हर टोल पे। हो गए हमें नोएडा से निकले हुए, तो हम पंचकूला पहुंच गए हैं अभी और रात को यहीं रुकेंगे। काफ़ी अच्छे टाइम पे आ गए हम, हमें नॉर्मली करीब 4.5-5 घंटे लग जाते हैं, बट रास्ते में कहीं रुके नहीं, बिल्कुल स्मूथ है और रास्ता भी बहुत बढ़िया था, ट्रैफिक भी कम था आज। सो दैट्स हाउ। तो हमने गाड़ी करीब चलाई है 285 किलोमीटर गाड़ी चल गई है हमारी, और गाड़ी की एवरेज आई है 18.7, वेरी गुड। सो दिस इज अ पेट्रोल ऑटोमेटिक होंडा सिटी, तो रात को यहीं रुकेंगे, उसके कल सुबह चलेंगे हम शिमला के लिए। दोस्तों अभी हमें सेक्टर 27 पंचकुला में, तो यहाँ से पहाड़ों का, सोनी हिल्स का और घग्गर रिवर साइड का बहुत ही बढ़िया व्यू आता है, और ये है दिवाली की शाम। तो आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, और इसी वजह से हम आज शिमला नहीं गए। सो रात को आई डोंट नो कितना अच्छा दिख रहा होगा आपको, लेकिन बहुत बढ़िया नज़ारा है। दोस्तों इस वाली गाड़ी से जाएंगे, ये मेरा कज़न है करण भाई, ये भी तैयार हो गया शिमला के लिए और अपनी नई नवेली गाड़ी फोर्ड एंडेवर। वाह अजी, तैयारी पूरी पूरी तो कुछ भी भर दो यार, बहुत जगह है। सही है। तो अभी बज रहे हैं करीब 8 और बस लगने चाहिए 2.5-3 घंटे। ये देखो अब हम पहाड़ों में एंटर कर रहे हैं, तो सामने वहाँ पे कसौली हिल्स है और यहाँ पे टिम्बर ट्रेल है, तो अभी हम हिमालयन एक्सप्रेसवे पे हैं, तो यहाँ से करीब 80 किलोमीटर होना चाहिए शिमला। तो मैंने तो बजट ट्रिप बनाया था, लेकिन करण भाई एंडेवर ले आए, तो हमारा बजट ट्रिप का तो मुझे पता नहीं क्या होगा। बजट बिगड़ जाएगा, बजट तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब हम किसी छोटी मोटी जगह तो जाएंगे नहीं, फिर हम अब हमें थोड़ी अच्छी जगह पर जाना पड़ेगा। यानी का ढाबा रुक रहा है, यानी का ढाबा अब कहीं वहां से तो शिफ्ट हो गया, शायद मूव हो गया थोड़ा सा आगे। क्या रोड्स बन गए हैं, अब हमने धर्मपुर क्रॉस कर लिया। अरे अरे कुमारहट्टी तो नहीं, तो बीच में से घुसते थे हम शहर के, देखो बाहर बाहर से क्या मस्त रास्ता बना दिया यार। कैसे चला रहे हो,
अरे मैं सड़क थोड़ा देख के थोड़ा सा वो हो गया हूँ, खुश ज्यादा हो गया हूँ। अब तो लगता है वो मैकडॉनल्ड्स वाला एरिया आने वाला है, पता नहीं पर वो आएगा ना। मैं नीचे में रोक देता हूँ, नहीं नहीं यहाँ तो ढाबे में बैठेंगे, ढाबे बैठ के ढाबे वाली चाय पीना, कॉफी पीनी और मैकडी की दिल्ली में पीना। यहाँ पे भी आगे वही करना है। वेरी गुड। सही में शिमला आना बहुत आसान हो गया, मुझे लगता है चंडीगढ़ से सिर्फ 3 घंटे लगते होंगे, सवा 3 घंटे गूगल दिखा रहा था, तो मुझे लगता है कम ही लगने चाहिए। कैसी है पापा की गाड़ी? अच्छी है, मेरी है। अच्छा। ये सही है। पापा की नहीं है? नहीं मेरी है। ओके, ये आजकल के बच्चे हैं। अच्छा ये लो एक और बेरी। आपकी गाड़ी है? धूप नहीं देखी। अच्छा है ना, शाम को ठंड हो जाएगी बहुत, शाम को 4 डिग्री दिखा रहा है, दिन में 15 डिग्री। ये रह गया है सोलन 13, शिमला 60 किलोमीटर बस। Yes. अभी तो हमें घंटा भी नहीं हुआ निकले है, तो सोलन 13 किलोमीटर। सोलन हम पहुंचने वाले अगले 15 मिनट में। क्या बात है, सोलन जाना। ये पंजाबी ढाबा आ रहा है, अब अभी रुकना है सोलन के आगे, रुकना है सोलन के आगे, थोड़ी सी और हाइट गेन करते हैं फिर रुकेंगे। कैप्सिकम पंजाबी ढाबा, यही है असली पंजाबी ढाबा। लाल मिर्च पंजाबी ढाबा। तो मैं तो 2-2.5 साल के बाद आया हूँ, लेकिन मैं सीरियसली इम्प्रेस्ड, इतनी बढ़िया सड़कें, कमाल ही हो गई। तो मतलब नीचे से ही जहाँ से पहाड़ शुरू हो रहे हैं ऐसे ही चल रहा है। बताओ गाड़ी चला के मजा आ रहा है? अरे बहुत बढ़िया, क्या लग ही नहीं रहा हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अपने आप ही चढ़ी जा रही है। भी ऑटोमेटिक तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर। पूरी कहाँ पहुँच गए अभी हम? अभी हम सोलन क्रॉस कर रहे हैं। 9:40 हुए हैं, मतलब 1 घंटा 10 मिनट में हम चंडीगढ़ से सोलन पहुँच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया यार। क्या बात है, और गाड़ी में क्या मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, पहाड़ों पे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम नॉर्मल जमीन पे चल रहे हैं। कोई चढ़ाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चलो कहीं ब्रेक लेते हैं, कोई अच्छी सी जगह देख के, कुछ है यहाँ पे? वैसे सब बदला बदला सा है, सारी सड़कें बदल गई, सारे रास्ते बदल गए, अब थोड़ा सा आई थिंक पुराना वाला हो गया। ये शहर के बीच में से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर अब सिंगल रोड रह गई है, सिंगल है ना। तो दोस्तों करीब 10:15 हो रहे हैं और अभी हम एक ढाबे पे रुक गए हैं, सोलन और शिमला के ऑलमोस्ट बीच में ही पड़ता है, तो यहाँ से 1 घंटा और लगना चाहिए।
कह रहे हैं खाना बड़ा अच्छा होने वाला है यहाँ पे, हाईवे पे हमने देखा है व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ पे। लग तो अच्छे रहे यार, बिल्कुल गरम गरम क्रिस्पी। बताओ कैसे खाके, बताओ खाने तो दो, ये वीडियो पहले शुरू हो जाती है तो इंसान पहले खा तो ले, तो खा लो ना। ये कैसे है, मैगी कैसा है? पराठे तो बहुत बढ़िया यार, मेरे को तो मजा आ गया यार, बिल्कुल सही है। हाँ नाम देख लीजिए आप लोग, जंप स्टार्ट मिर्ची ढाबा रस्ते में पड़ेगा। सही है बहुत बढ़िया यार, और धूप में खाने का तो मजा ही कुछ और है। वेरी गुड, क्या बात है। अब चाय की वेट हो रही है हमारी, धूप पर बैठ के खा रहे हैं, लेकिन धूप पे जाते बैठ नहीं सकते। मिर्ची लगी नहीं लगी। तो ये पहुंच गए हम शिमला, खाली लग रहा है वैसे, इतनी भीड़ नहीं लग रही जितनी मैंने एक्सपेक्ट किया था। कितनी एवरेज आ रही है गाड़ी की? 11 किलोमीटर पर लीटर। अरे वाह यार, नॉट बैड, इतनी बड़ी गाड़ी की 11 की एवरेज बहुत ही बढ़िया। ये रास्ते बहुत स्मूथ हो गए हैं, इसके एवरेज का अच्छी आ रही है, नहीं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 9-9.5 के बीच में आनी चाहिए। सही बात है। देखो बयान भी है, ये आ गया शिमला रेलवे स्टेशन। तो हमें तो टनल से लेफ्ट लेना है ना। ट्रेन भी आ गई, बिल्कुल शिमला के जंगलों में आ गए हम। तो वाल्टा प्लेस आ गए, तो ये तो हमारे लिए सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन ब्यूटीफुल एरिया है, बिल्कुल लश ग्रीन, ऐसा नहीं फील हो रहा कि हम शिमला आए, हम सोच रहे किसी फॉरेस्ट में है। सही में है, इतनी ग्रीनरी तो मैंने शिमला में कभी भी नहीं देखी। वहीं पर है ना वेजिटेबल शॉप। सो ये एरिया है कुफ्ता धार, लेफ्ट राइट उसने बोला था यशोदा भवन। सो वी हैव 3 rooms, 3 for ourselves, एक बच्चों के लिए है और 2 और है। सो अच्छी धूप आती है, काफी कोजी से रूम्स है। So that is, they have ample parking also. तो वो नीचे हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, सो हमें तो बढ़िया पार्किंग मिल गई है, तो वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न था यहाँ आने का कि हमें पार्किंग अच्छी सी मिल जाए। हाँ जी, तो ये देखो ये हमें व्यू मिला है शिमला पहुँच के, तो हमने एक होम स्टे ले लिया है यहाँ पे, बड़ा कोजी सा, कोजी वुड्स करके होम स्टे है। लेकिन कैसे लगा आपको ये हमारे लिए बॉनफायर एंड सिटिंग एरिया? वो सामने उधर माल रोड रिज एरिया वहाँ पे है, तो टैक्सी चलती है यहाँ से। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना, बदलते मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना शरम। होने लिया दिल, हाय हाय लिया दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तूने जो दिल को,
नजर नहीं चुराना शर्म। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना, और आपके कुछ सजेशंस हो कमेंट्स हो तो प्लीज़ लिखिएगा, बताइएगा हमें। थैंक यू गाइस, होप टू सी यू अराउंड, बाय। और शिमला की फेमस रिज आपको दिखाते हैं, एक 360 व्यू यहाँ का। दैट इज द क्राइस्ट चर्च, तो वहाँ पे वी हैव द फेमस जाखू मंदिर।